तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पेट सोल्स में। और आज के डॉग वर्सेस डॉग के एपिसोड में हम जानने वाले हैं लैब्राडोर वर्सेस पग के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लैब्राडोर्स के साथ। तो लैब्राडोर्स का ओरिजिन कनाडा में हुआ था। उनको फिशरमैन के हेल्प करने के लिए ब्रीड किया गया था और पग्स को चाइना के शाही घराने के लिए ब्रीड किया गया था क्योंकि वो उनके साथ रह सके। लैब्राडोर्स को मीडियम टू लार्ज साइज का घर चाहिए क्योंकि वो मीडियम टू लार्ज साइज के डॉग होते हैं और पग स्मॉल साइज के डॉग होते हैं, इसलिए उन्हें 1 BHK या फिर 2 BHK में भी रखा जा सकता है। लैब्राडोर्स और पग दोनों काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं, इसलिए उनको कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पग्स को घर पे अकेले रखने की बात की जाए तो पग्स घर पे आराम से 5-6 घंटे तक अकेले रह सकते और वो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं देंगे। पर लैब्राडोर्स को घर में रखना है तो वो सिर्फ 2 या 3 घंटे तक ही अकेले रह सकते हैं। पग्स और लैब्राडोर्स को डेली दिन में 2 या 3 बार वॉक पे ले जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनका वेट गेन हो जाएगा और फिर ये ज़्यादा मोटे लगने लगेंगे। अगर बात करें लैब्राडोर के कोट कलर्स की तो 3 कोट कलर्स में आते हैं, ब्लैक, ब्राउन और वाइट के। और अगर पग्स के कोट कलर की बात की जाए तो वो थे वाइट, ब्रिंडल, ब्राउन और जेड ब्लैक कलर में, और बाकी कुछ कलर्स में भी आपको पग्स अवेलेबल हो जाएंगे। पग डॉग्स जो होता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी वीक होता है, अगर ये कुछ खा ले तो इनका पेट जल्दी से खराब हो जाता है, उसके बाद ये डॉग्स बीमार पड़ सकते हैं। और अगर लैब्राडोर्स की बात की जाए तो लैब्राडोर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और ये जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ते, अगर ये कुछ खाने में कुछ गलत आ जाए तभी ये बीमार पड़ जाते हैं या फिर कोई सीज़न जल्दी से चेंज हो जाए तभी ये बीमार पड़ते हैं, वैसे ये बीमार नहीं पड़ते। लैब्राडोर के अगर शेडिंग की बात की जाए तो इनके बाल साल भर झड़ते हैं और आपको सोफे पे या फिर बेड पे या फिर कार भी अगर वो बैठते होंगे तो आपको वहाँ पे बाल ही बाल नज़र आएंगे। और अगर हम बात करें पग्स के शेडिंग की तो उनका शेडिंग सीज़न 8th से 9th सीज़न में होता है, अगस्त या सितंबर के दौरान। अगर पग के कोट की बात की जाए तो पग्स का कोट शॉर्ट कोट होता है और लैब्राडोर का जो कोट होता है वो भी शॉर्ट कोट होता है। दोनों ही डॉग इजी टू मेंटेन हैं और इनका मंथली खर्चा अराउंड 4000 to 5000 के आसपास आ जाएगा। अगर आप इनको ज़्यादा खर्चा करें तो मैक्सिमम 5000 to 6000। आप पग और लैब्राडोर को हर महीने में एक बार तो भी चेकअप के लिए ज़रूर लेके जाए क्योंकि इनमें हेल्थ इश्यूज़ आ ही जाते हैं। अगर लैब्राडोर के लीटर साइज की बात की जाए तो वो होती है 5 to 7 पपीज और पग के लीटर साइज की बात की जाए तो वो होते हैं 2 to 5 पपीज। लैब्राडोर का लाइफ स्पैन एवरेज 12 to 14 ईयर्स का होता है और पग का लाइफ स्पैन 12 to 16 ईयर्स तक होता है। अगर इनकी अच्छे से केयर की जाए तो ये इससे ज़्यादा भी जी सकते हैं। लैब्राडोर का एवरेज प्राइस इंडिया में अराउंड 8 to 12 thousand है और पग का एवरेज प्राइस 10 to 15 thousand है। लैब्राडोर के अगर अदर नेम्स की बात की जाए तो लैबा, लैब्रो और लैब्राडोर है, और पग्स के अदर नेम की बात की जाए तो चाइनीज बुलडॉग, डच पग, मिनी मैस्टिफ पग और चाइनीज पग, ऐसे कुछ नाम हैं। लैब्राडोर के अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो अगर सीज़न चेंज हो जाए तभी वो बीमार पड़ते हैं या फिर उनके खाने में कुछ आ जाए तभी वो बीमार पड़ते हैं। और अगर पग्स के प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो उनमें आई प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है और वेट गेनिंग प्रॉब्लम। लैब्राडोर्स को रेगुलर एंड हेवी एक्सरसाइज चाहिए होती है, नहीं तो इनका वेट जल्दी से गेन हो जाता है। और क्योंकि पग्स का साइज छोटा होता है तो इनको कम एक्सरसाइज चाहिए होती है लैब्राडोर के मुकाबले, पर इनको भी रेगुलर चाहिए। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए गुड बाय।